और इस साल की जानकारी ली क्या आपने? ये अलग विषय है, वो आपसे अलग से भी बात करेंगे, इधर भी और उधर भी ऐसे भी है केसेस, वो भी आपको मालूम होगी। हाँ, रर केसेस तो समस्या का हल करना है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के छात्रों के लिए एक प्रधानमंत्री स्पेशल एजुकेशन के लिए एक स्कॉलरशिप की योजना 2011 में शुरू हुई थी। राजस्थान में और अन्य जगह शिक्षा लेने वाले कुछ छात्रों की समस्या समाचार पत्र में पढ़ने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उन सब छात्रों को बुला लिया और आज हमारी बैठक हो गई। छात्रों की क्या समस्या है वो हमने समझ ली और मेरे साथ हमारे सचिव और संबंधित अधिकारी और AICT के चेयरमैन भी थे, तो कल इन सभी छात्रों को AICT के दफ्तर में एक एक का क्या क्या हुआ है, ये दो साल का, कभी एक साल का या तीन साल का जो भी प्रवास जैसे हुआ है वो देखकर, जिनको भी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में जिनका नाम था और जिनको मिला था उस समय स्कॉलरशिप योजना में, उसका कैसा हल निकाला जाए, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में गए हैं या दूसरे कोर्सेस में गए हैं, तो जो भी कुछ हुआ अब 2014 के पहले जो भी कुछ हुआ उसकी अब छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए। जो 2013 और 14 के स्कॉलरशिप पे, जो हमारा स्कॉलरशिप है PMSSS, यानी कि प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स, सर उसके तहत मैं हरियाणा के कॉलेज में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए आया था। तो सर एक्चुअली में हमारा उत्तम पे जो भी है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में। तो उस टाइम पे जैसे भी हमें NGOs ने वहाँ पे गाइड किया, तो हमने उसी, उनके ही बेसिस पे हमने वहाँ पे, जिस कॉलेज में हमें कहा गया हमने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो उस टाइम पे ये था, नॉर्म्स में ऐसा था AICT के कि आप पहले एडमिशन ले लीजिए किसी कॉलेज में, उनके कॉलेज का एक एडमिशन लेटर आप ले आइए कि आपने इस कॉलेज में PMSSS स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन लिया। तो उससे पहले भी हमें एक काम करना था, हमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, जो हमने कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के तब तीन हमने काउंसलिंग भी अटेंड करी, हमारा बिल्कुल प्रोसेस सही था, हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स भी जो डेफिशिएंट नहीं थे। उसके बाद भी सर 3 साल तक हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं अभी तक अवेलेबल हुआ। जब हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया तो हमारे कॉलेज, हमारी अथॉरिटी हमें फोर्स करने लगी कि फ़ी पे कर ले, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठना दिया जाएगा। उसकी प्रॉब्लम से हमें फिर हमारे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे जम्मू कश्मीर के और स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया। तो फिर जाके हमारी राजनाथ सर, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें बुलाया, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर था।